आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान, बच्चों आज है आपका इम्तिहान, चलो देख कौन देगा जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलकर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीउल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीउल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरुल्लाह। यानी बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम लिए हाजिर हैं आपका इम्तिहान। इसमें हमारे साथ मौजूद होती हैं दो टीमें, टीम मक्की और टीम मदनी। इंशाल्लाह आज वेल इनसे तारुफ भी लेंगे, प्रोग्राम को आगे की तरफ बढ़ाते हैं और लेते हैं इनसे तारुफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी आपका नाम क्या है? मोहम्मद रशाद। जी दूसरे भाई, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जी आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। और हमारे साथ टीम मदनी में तो हमारे हुसैन भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दूसरे भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम। तो किड्स मदनी चैनल नाज़रीन, ये तो हो गया तारुफ। अब इंशाल्लाह हुसैन भाई की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमें इंशाल्लाह एक कलाम सुनाएंगे। जी हुसैन भाई, कौन सा कलाम सुनाने आ रहे हैं? आज मैं आपको बहुत ही प्यारा कलाम सुनाऊंगा। हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह। जी सुनाइए। सल्लल्लाहु अलैहि रसूल। हाजियों आओ शहंशाह का
माशाअल्लाह हुसैन भाई, अल्लाह पाक आपको बार बार मीठा मदीना दिखाएं, अल्लाह पाक आपको बार बार हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाएं, अल्लाह पाक आपको मुर्शिद के साथ हज बैतुल्लाह करने की सआदत नसीब फरमाएं। प्यारे बच्चे और किस्मतीशे के नाज़रीन, हमने शामिल किया कलाम और अब प्रोग्राम को आगे की तरफ लेके बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है सही या गलत। तो प्यारे बच्चे और किस्मतीशे के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होता कुछ है कि आपको मैं जुमला बताता हूँ, आप लोगों ने बताना होता है कि वो जुमला सही है या गलत। तो शुरू करें, मैं एक जुमला टीम मक्की से पूछूंगा तो एक जुमला टीम मदनी से। चलें, पहला जुमला आपसे टीम मक्की पूछने जा रहा हूँ। जानशीन मिलाद उस्नत का नाम उबैद रजाक है, सही या गलत? सही। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलें, टीम मदनी से पहला सवाल, शबे बरात 14 शबान को होती है? गलत। गलत, जी हाँ, 15 शबान को होती है। जवाब इनका दुरुस्त है। अगला सवाल टीम मक्की से, मरहबा आज चलेंगे शगे अबरार के पास, या आला हजरत रहमतुल्लाह की ताला अलैह का शेर है, सही या गलत? गलत। जी हाँ, अमीर अहले सुन्नत दावत बरकातुहु अलैहा का शेर है। जवाब इनका दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल टीम मदनी से, आम को अरबी में जामूस कहते हैं, सही या गलत? सही। इन्होंने जवाब दिया सही, मगर इनका जवाब गलत है क्योंकि आम को अरबी में मांजू कहते हैं और इनसे हो चुके हैं गलती। चले अगला सवाल, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार शरीफ जन्नतुल बकी में गए, सही या गलत? गलत। आपने जो जवाब दिया वो गलत है क्योंकि हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु का मजार शरीफ जन्नतुल बकी में ही गए। चले अगला सवाल पूछेंगे, मुहर्रम के एक महीने का रोजा 1 साल के बराबर है, सही या गलत? सही। इन्होंने जवाब दिया सही, जबकि इनका जवाब गलत है क्योंकि 1 महीने के बराबर है। अगला सवाल पूछने जाऊंगा टीम मक्की से, सूरतुल मुल्क कुरान पाक के पारा नंबर 29 में गए, सही? सही। और इनका जवाब दुरुस्त गए। हां अल्लाह। चले अगला सवाल टीम मदनी से, रमजान मुबारक में 13 हरूफ है, सही या गलत? गलत। इनका जवाब दुरुस्त गए। हां अल्लाह। चले अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं, भूल कर खाने से रोजा टूट जाता है, सही या गलत? गलत। जी, इन्होंने जवाब दिया गलत क्योंकि भूल कर खाना खाने से रोजा नहीं टूटता, और ये जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद नबवी है, सही या गलत? गलत। जी, टीम मदनी का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, अगला सवाल, मौज़िन रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को कहा जाता है, सही या गलत? सही। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, सही या गलत? गलत। जी, इन्होंने जवाब दिया गलत, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह की ताला अलैह का उर्स दूसरे इस्लामी महीने में आता है, सही या गलत? सही। सही, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्योंकि सफर दूसरा इस्लामी महीना है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमने शामिल किया सेगमेंट जिसका नाम था सही या गलत, और माशाल्लाह यहाँ पे भी टीम मक्की और टीम मदनी ने दोनों ने अच्छा पार्टिसिपेट किया। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, जिस सेगमेंट का नाम है कहानी। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चे और गठबंधीचे के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होता कुछ है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और आपने इस कहानी को खूब गौर से सुनना होता है, क्योंकि इसके बाद आपसे इसी कहानी के सवालात होते हैं, इसी कहानी से रिलेटेड सवालात होते हैं। तो आपने कहानी को गौर से सुनना होता है, इसे याद भी करना होता है, क्योंकि इससे ही सवालात होने होते हैं। चलें बढ़ते हैं कहानी की जानिब। प्यारे बच्चे और किस्मतीशे के नाज़रीन, आज मैं आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक ऐसे सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र करने वाला हूँ जिन पर सिर्फ जुल्म इस वजह से किया गया कि वो ईमान ले आए थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद वो दीन हक पर कायम रहे। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कबीला बनो तीम के एक ताजिर बिजनेस के लिए बसरा गया। तो जब वो बाजार पहुंचा तो क्या देखता है कि गैर मुस्लिमों का एक आलिम इबादत खाने में मौजूद लोगों से ये कह रहा है कि अरब की जमीन से आने वाले इन इज्जतदार ताजिरों से जरा ये तो मालूम करो कि इनमें से कोई हरम का रहने वाला भी है।
तो वो इज्जतदार कुरैशी ताजिर आगे बढ़कर बोला, जी हाँ मैं हरम का रहने वाला हूँ। गैर मुस्लिमों के इस आलिम को जब मालूम हुआ तो उसने बड़ी बेचैनी से इस कुरैशी जवान से पूछा कि आपके यहाँ कोई अहमद नाम की पर्सनैलिटी फेमस हो रही है, उन्होंने किसी नई बात का ऐलान किया हो? तो ताजिर ने कहा, ये अहमद कौन है? तो उस आलिम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ यूं इंट्रोड्यूस करवाया, ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब के प्यारे पोते और हजरत अब्दुल्ला के प्यारे शहजादे हैं। इनके तशरीफ लाने का मुबारक महीना यही है, वो अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और अपने नबी होने का ऐलान मक्कतुल मुकरमा की सरजमीन से फरमाएंगे। फिर वो उस जगह हिजरत करेंगे जहाँ की जमीन पत्थरों वाली होगी, मगर वहाँ खजूरों के बागात बहुत ज्यादा होंगे। तुम्हें तो ऐ कुरैशी ताजिर इनकी बारगाह में फौरन हाजिर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस गैर मुस्लिम की बातें इस कुरैशी बिजनेसमैन के दिल में उतर आईं और वो फौरन वहां से चल पड़ा, यहाँ तक के मक्कतुल मुकरमा पहुँच गया। मक्का शरीफ पहुँचते ही उसने लोगों से पूछा कि कोई नई खबर है? तो उन्होंने बताया, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम जो अमानतदार हैं, उन्होंने नबी होने का दावा किया गया और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हो उन पर ईमान भी ले आए हैं। कुरैशी ताजिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, क्या आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वआलिहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैं उन पर ईमान ले आया हूँ और तुम भी उनकी बारगाह में हाजिर होने में देर मत करो, क्योंकि वो हक की दावत देते हैं। उस ताजिर के दिल में उस गैर मुस्लिम आलिम की बातों की वजह से मजहब इस्लाम से मोहब्बत पहले ही पैदा हो गई थी। और फिर जब आशिक अकबर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो की नेकी की दावत से भरपूर बातें सुनी तो इस्लाम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो अपने कबीले के उस नौजवान ताजिर को लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और ये कुरैशी ताजिर आखिरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर मुसलमान हो गया और यूं वो सहाबी बन गए। प्यारे बच्चों, नौफिल नाम का कुरैशी एक सरदार मुसलमान होने वालों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हो और उस कुरैशी ताजिर के इस्लाम कबूल करने पर उस जालिम सरदार ने तो उन पर बहुत जुल्म किया, दोनों को रस्सी से बांध दिया ताकि ये लोग अल्लाह की इबादत ना कर सकें। बहरहाल ये दोनों बुजुर्ग जुल्म और सितम से बिल्कुल ना डरे और अपने इस्लाम पर डटे रखे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ये ताजिर कौन थे जिन्होंने दीन इस्लाम की खातिर इतनी तकलीफें बर्दाश्त की? ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत तलहा बिन जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हो थे और ये वो सहाबी हैं जिनको हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नती होने की खुशखबरी दी है। सुभानअल्लाह। तो प्यारे बच्चे और गजबंदिशे के नाज़रीन, ने आपको एक प्यारी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाई, उम्मीद है आप लोगों ने बगौर सुनी होगी क्योंकि इससे सवाल भी होंगे। चले हम कहानी से रिलेटेड सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहला सवाल मैं टीम मक्की से पूछ लूंगा और दूसरा सवाल टीम मदनी से, ऐसे ही करेंगे। चले पहला सवाल टीम मक्की से, कहानी में मौजूद ताजिर ने कहाँ का सफर किया? बसरा। बसरा का जवाब इनका बिल्कुल दुरुस्त है। चले अगला सवाल टीम मदनी से पूछूंगा, गैर मुस्लिम आलिम ने जब ताजिरों को देखा तो क्या कहा? इनमें से कोई हरम का रहने वाला है। उसने कहा कि इनमें से कोई हरम का रहने वाला भी है और हमारे हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। अगला सवाल, गैर मुस्लिम आलिम की बात सुनकर जब कुरैशी ताजिर आगे बढ़ा तो गैर मुस्लिमों के आलिम ने उससे क्या पूछा? 10 डिस्कस कर लें दोनों। 9 कर सकते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1 इनसे तो सवाल का जवाब नहीं ले पाए। चलो हुसैन भाई आप जवाब देंगे। वह अहमद नाम का शख्स मशहूर हो रहा है। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, सुभान अल्लाह, क्योंकि सवाल का जवाब ये था कि आपके यहाँ अहमद नाम की कोई पर्सनैलिटी लोगों में फेमस हो रही है। चलो हुसैन भाई ने कुछ मिलता जुलता ही जवाब दिया था, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हुसैन भाई आपसे सवाल है क्योंकि पिछला सवाल तो मैंने आपसे ऐसे ही पूछा था। अब अगला सवाल ये है कि चले गैर मुस्लिम आलिम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इंट्रोडक्शन पेश किया तो उसमें से कुछ चीज़ें बताएं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप। अब इंशाल्लाह आपसे सवाल का जवाब देंगे। चलें कोई बताएगा।
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, हज़रत अब्दुल्ला के शहजादे हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। अपने नबी होने का ऐलान मक्कतुल मुकर्रमा से फरमाएंगे। ये कुछ इंट्रोडक्शन जो पेश किया था उसमें से कुछ चीज़ें थी, चाहे दोनों में से किसी का जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो कि टीम मक्की से होगा। जब ताजी मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने उसे क्या कहा? चलो देखे कौन देगा जवाब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जो बातें कही थी वो ये थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होने में देर मत करो, क्योंकि वो हक की दावत देते हैं। चल अब अगला सवाल टीम मदनी से होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की नेकी की दावत का ताजिर पर क्या असर पड़ा? कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास गया और मुसलमान हो गया। ताजिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आप पर ईमान ले आया, जवाब इनका दुरुस्त है। चले अगला सवाल, ईमान लाने की वजह से कुरैश के काफिर सरदार ने आपके साथ क्या सलूक किया? उनको रस्सी से बांध दिया। उस जालिम सरदार ने उन पर बहुत जुल्म किया, दोनों को रस्सी से बांध दिया ताकि ये लोग अल्लाह पाक की इबादत ना कर सकें। चले इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अगला सवाल, कहानी में मौजूद ताजिर कौन थे? तलहा बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु। सहाबी रसूल हजरत तलहा बिन जुबैर रदियल्लाहु तआला अन्हु, जवाब इनका दुरुस्त है। चले माशा अल्लाह, यहाँ पर कुछ सवालात हमारी टीम मक्की से भी हुए, टीम मदनी से भी हुए और इसी के साथ सेगमेंट कहानी इख्तिताम तक पहुँचा। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब, जिस सेगमेंट का नाम है किस्मत आजमाए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, यहाँ पर मौजूद हैं 8 बॉक्सेस यहाँ पर मौजूद हैं और आप लोगों ने करना कुछ ही होगा कि टीम मक्की की पहली बारी आएगी, फिर टीम मदनी की। टीम मक्की पहले कोई बॉक्स सेलेक्ट करेगी तो मैं उनको कुछ हिंट्स दूंगा और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो इंशाल्लाह हम आपको दुरुस्त जवाब बताएंगे। चले बढ़ते हैं सेगमेंट किस्मत आजमाई की तरफ। जी टीम मक्की, आप अपना नंबर बताएं। अमीर उल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लकब है? दूसरी हिंट दे दो। इस लकब में जंगल के एक जानवर का नाम भी आता है, शेरे खुदा। चले इन्होंने नंबर 5 सेलेक्ट किया था, 5 नंबर का बॉक्स खोलने जाता हूँ मैं और खोल भी देता हूँ। इम्तिहान, चलो देखे कौन दे। जी शेरे खुदा, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशा अल्लाह। चले अगला क्वेश्चन टीम मदनी से है, इन्होंने नंबर सेलेक्ट करना है और फिर हिंट्स भी लेनी है। चले नंबर सेलेक्ट करें। नंबर 6। जी एक मुबारक जगह जहां मुसलमान बहुत ज्यादा बल्कि सबसे ज्यादा जाते हैं। आपका इम्तिहान। दूसरी हिंट, चले वहां एक मुबारक कुआं भी है, खाने काबा। इन्होंने जवाब दिया खाने काबा और देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। चले 6 नंबर बॉक्स खोल दूं? जी। चले 6 नंबर बॉक्स खोलते हैं और ये देखें हरम शरीफ और खाना काबा, और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। चले अगला नंबर टीम मक्की चूज करें। नंबर 8। दावत इस्लामी का एक इदारा जहां छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। मदरसतुल मदीना। खोल दूं? आपका इम्तिहान। आपका इम्तिहान। चले इन्होंने जवाब दिया था मदरसतुल मदीना और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। चले अगला नंबर चूज करें। 3। चले किस्मती जैन का एक बहुत ही फेमस करेक्टर है। दूसरी हिंट, कनीज फातिमा के भाई जान है। गुलाम रसूल। सोच लें, तीसरी हिंट भी है आपके पास? जी सोच लिया। गुलाम रसूल, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी अगला नंबर सेलेक्ट कीजिए। 7। चले 7। पाकिस्तान के फेमस मज़ारात में से एक मज़ार शरीफ है। दूसरी हिंट ये कि कराची में है। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह की तालाली का मज़ार, और जवाब इनका दुरुस्त है। चले अगला नंबर सेलेक्ट कीजिए। नंबर 1। पाकिस्तान का कौमी रंग है। पूछनी पहली है, सुनानी एक कहानी। पहली हिंट ही बहुत आसान मिल गई, पाकिस्तान का कौमी रंग है हरा। हरा हरा, ग्रीन कलर। चले आइए चल के देखते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। सोच ले फिर भी हुसैन भाई। सोच लिया। इन्होंने जवाब दिया ग्रीन कलर, और इनका जवाब
बिल्कुल दुरुस्त है। चले अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जी तो एक परिंदा जिसको इस्लामी एतबार से पसंद किया जाता है। कबूतर। कबूतर और सोच लें। सोच लिया। खोल दूं? जी चल खोल देते हैं इनके लिए। और टू नंबर इन्होंने सिलेक्ट किया था और जवाब है कबूतर। और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चले टीम मदनी के पास ऑप्शंस तो नहीं है क्योंकि आखिरी डब्बा बचा है, आखिरी बॉक्स है फोर नंबर। और इसके लिए मैं इनको हिंट्स देने जा रहा हूँ हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एक नवासे जो मुसलमानों के खलीफा भी बने थे। दूसरी हिंट, वो जन्नती जवानों के सरदार भी हैं। हजरत हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु। चले आपने जवाब दिया था इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु और दुरुस्त जवाब है इमाम हसन रदियल्लाहु तआला अन्हु। अगर आप उससे अगली हिंट मांगते तो मैं आपको यही हिंट देता कि वो इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु के भाईजान हैं। अगर आपने अगली हिंट नहीं दी और आपका जवाब गलत हो चुका है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन हमारा सेगमेंट किस्मत आजमाएं इख्तिताम तक पहुंचा। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की जानिब। जिस सेगमेंट का नाम है पिक्चर पहचानिए। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन सेगमेंट में होता कुछ यूं है कि आपको एक तस्वीर नौ बॉक्सेस के पीछे छुपा के दिखाई जाएगी। आप जो नंबर बोलेंगे वो उस तस्वीर के आगे से हट जाएगा और आपको तस्वीर का वो हिस्सा नजर आएगा। शुरू करते हैं टीम मक्की से। कहानी एक कहानी है। जी टीम नंबर सेलेक्ट कीजिए। एट नंबर के पीछे क्या गई है इनको दिखाइए। आपका इम्तिहान। सब्ज गुम्बद। सब्ज गुम्बद यानी के गुम्बद खजरा। और देखते हैं कि इस तस्वीर के पीछे क्या वाकई में सब्ज गुम्बद है। बच्चों आज है आपका। जी और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने एक बॉक्स उठवाया और उसके बाद जवाब दे दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मजार शरीफ का प्यारा प्यारा गुम्बद है। इसके बिल्कुल नीचे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक मौजूद है। सुभान अल्लाह। चल टीम मदनी आपके लिए मुकाबला हो गया है कि आपको एक ही बॉक्स में पहचाननी होगी पिक्चर। चलें शुरू करें। जी चलें टीम मदनी के लिए भी दिखा। इम्तिहान नंबर फाइव। नंबर फाइव गुम्बद फैजान मदीना। गुम्बद फैजान मदीना। चलें देखते हैं कि ये वाकई में यही है। जी फैजान मदीना का गुम्बद यानी कि फैजान मदीना की गए दावत इस्लामी का आलमी दीनी मरकज। फैजान मदीना गए जहाँ से दुनिया भर में दावत इस्लामी के कामों को मॉनिटर किया जाता है। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ये था हमारा सेगमेंट पिक्चर पे जानिए। दोनों टीमों ने माशाल्लाह अच्छे अंदाज में पिक्चर खुलवाई भी और पहले ही बॉक्स में जवाब भी दे दिया माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिस सेगमेंट का नाम है लफ्जों की तोड़-जोड़। आपका इम्तिहान, आपका इम्तिहान। तो प्यारे बच्चे और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन ये है सेगमेंट लफ्जों की तोड़-जोड़। और इस सेगमेंट में होता कुछ है कि हम आपको कोई वर्ड दिखाते हैं तो उनकी स्पेलिंग्स मिक्सअप हुई होती है, आपस में मिक्स हुई होती हैं, तो आपको उन वर्ड्स को देखते हुए गैस करना होता है कि ये वर्ड क्या होगा। रेडी हैं आप लोग? जी चलें। जी टीम मक्की के लिए पहला वर्ड। आपका इम्तिहान चलो देखें। जी टीम मक्की ये है आपके लिए पहला वर्ड। आपका टाइम शुरू होता है अब। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 नमाज। सोच लें फाइनल आंसर है। देखते हैं कि ये वर्ड क्या गई है, नमाज की है या कोई और वर्ड है। जी दिखाइए। आपका इम्तिहान। माशाल्लाह आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो गिट्टी मक्की आपसे ही होगा। जी अगला वर्ड। आपका इम्तिहान। जी वर्ड आ गया है और अब आपका टाइम शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम्स अप। जी आइए देखते हैं कि ये सही वर्ड क्या है। सजदा। जी हाँ ये जवाब था और आप नहीं दे पाए। चलें अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। आपका इम्तिहान। जी आपका टाइम शुरू होता है अब। आज है आपका इम्तिहान। 5, 4, 3, 2, 1 और टाइम्स अप। इम्तिहान चलो देख। जी आइए देखते हैं सही वर्ड क्या है। ये था मन कबर। आइए देखते हैं अगला वर्ड। आपका टाइम शुरू होता है अब। 8 हिदायत। जी
जी इन्होंने जवाब दिया हिदायत। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। माशाल्लाह इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो मदनी शेख नाज़रीन ये थे टीम मक्की के फोर वर्ड्स। अब बढ़ते हैं टीम मदनी की जानिब। जी टीम मदनी रेडी आप? जी चले आपको दिखाते हैं आपका पहला वर्ड। चलो देखें कौन। और आपका टाइम शुरू होता है अब। तिलावत। जी तो इन्होंने टाइमर शुरू होने से पहले ही जवाब दे दिया। देखते हैं इनका जवाब दुरुस्त है यानी कि जी दिखाइए। जी सही वर्ड तिलावत ही है और इन्होंने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। चलें अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की जानिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। बच्चों आज है आपका इम्तिहान। 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप। आइए देखते हैं कि करेक्ट वर्ड क्या है। जी तकवा। ये है करेक्ट वर्ड और आप इस तक नहीं पहुंच पाए। चले अब बढ़ते हैं अगले वर्ड की जानिब और आपका टाइम शुरू होता है अब। एक कहानी है क्या 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 क्या। 7 6 5 4 3 2 1 और टाइम्स अप। अब देखते हैं कि ये दुरुस्त वर्ड क्या है। चलो देखें कौन देगा। तिलावत। और यही दुरुस्त जवाब थे। ये आपसे पहले भी हो चुका है मगर जब दूसरी बार ये चेंज हो गया आया कुछ तो आप नहीं पहुंच पाए। चले अब देखते हैं अगला वर्ड। जी आपका टाइम शुरू होता है अब। इबादत। इन्होंने जवाब दिया इबादत। आइए देखते हैं कि इनका जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी सुनाने एक कहानी इबादत और इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब बढ़ते हैं टीम मदनी के आखिरी वर्ड की जानिब और टाइम शुरू होता है अब। मदनी। आइए देखते हैं कि दुरुस्त वर्ड क्या है। जी टीम मदनी का जवाब दुरुस्त है। टीम मदनी की फाइनल आंसर था और जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। इसी के साथ हमारा सेगमेंट तोड़ जोड़ इख्तिताम तक पहुंचा। तो प्यारे बच्चों के दीजिए कि नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम आपका इम्तिहान का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाजत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका इम्तिहान बच्चों आज है आपका इम्तिहान। चलो देखे कौन देगा जवाब। बच्चों का मदनी चैनल आ गया। बच्चों का आ गया आ गया।